रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकटा ऑन मे 7 1861 टू शारदा देवी एंड रविंद्रनाथ टैगोर आ रिलीजियस रिफॉर्मर एंड फिलोसफर ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज सेक्ट एज अ की फिगर इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बंगाली लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर रोट इन एवरी लिटरेरी फॉर्म दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम पोएट्री ड्रामा प्रोज मेमवा मेमवा मीन्स नॉन फिक्शन नरेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज अपनी यादों पर लिखा हुआ फिलोसफी म्यूजिकल लिरिक्स एट्सेट्रा टैगोर रोट शॉर्ट फिक्शन इन 1890s मेनली बिकॉज दैट्स वॉट देयर वॉज अ डिमांड फॉर एट दैट टाइम गिवन द डिमांड्स ऑफ हिज लीडरशिप टैगोर एम्ब्रेस द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म एंड दीज वर्क बियर मैनी ऑफ हिज हॉल मार्क्स देयर सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न विद एवरी डे लाइफ ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल एंड देयर इज इक्वल अटेंशन एंड रेवरेंस पेड टू करेक्टर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टैगोर स्टोरीज वैल्यूड इंडिविजुअल ह्यूमन देमसेल्व्स ओवर द क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शंस दैट माइट डिफाइन दैम एंड द सिंपथी और एंटीपैथी ही जनरेट्स फॉर हिज करेक्टर्स हैज़ टू डू विद द करेक्टर्स ओन एथिकल मेरिट्स और पेकुलरिटीज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ क्लास और एथनिक आइडेंटिटी मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट इज इंडिगो अ प्लांट विच वॉज वाइडली ग्रोन एज अ सोर्स ऑफ डार्क ब्लू डाई मीन्स नील नील उगाते थे जो जो उन कपड़ों को नील देते हैं आजकल फिश आउट ऑफ वाटर अ पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एक इंसान जो फील करता है अपने आप को किसी खास हालात में अनकंफर्टेबल रिमोट अ प्लेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम प्लेसेज वेयर अदर पीपल लिव जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर एरिया थैच्ड अ बिल्डिंग्स रूफ दैट इज कवर्ड विथ मटीरियल मेड फ्रॉम ड्राइड स्ट्रॉ रीड्स एट्सेट्रा एक बिल्डिंग की छत जो एक बिल्डिंग जिसकी छत जो है झाड़ियों से ढकी होती है शेड अ स्मॉल बिल्डिंग यूजुअली मेड ऑफ वुड छोटी सी बिल्डिंग जो कि लकड़ी की बनी हो ऑर्फन अ चाइल्ड हु डज नॉट हैव पेरेंट्स जिसके माँ बाप ना हो ऐसा बच्चा अनाथ जिसको कहते हैं सिकाडस अ लार्ज इंसेक्ट विथ ट्रांसपेरेंट विंग्स यूजुअली फाउंड इन हॉट कंट्रीज एक बड़ा सा इंसेक्ट जिसके पर जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं और हॉट कंट्रीज में पाया जाता है लाइक इंडिया हेस्टीली वेरी क्विकली बहुत तेजी से सपर द लास्ट मील ऑफ द डे यूजुअली स्मॉलर देन डिनर जो कि दिन का लास्ट खाना जो कि डिनर से थोड़ा छोटा होता है कम क्वांटिटी में होता है स्प्रॉलिंग टू सिट लाई और फॉल विद आर्म्स एंड लेग स्प्रेड आउट फैल के बैठना या लेटना प्लेंटिंग सैड साउंडिंग स्पेशली इन अ वीक कंप्लेनिंग वे जो आवाज़ ऐसी जो सुनाई मतलब पता चले कि दुखी है इंसान या फिर कंप्लेन कर रहा है शिकायत कर रहा है सीज्ड टू स्टॉप हैपनिंग रुक जाना gruel a dish made by boiling oats in milk or water ek dish jo ke ya to pani mein banti matlab daliya ya khichdi wanting not good enough acha na hona kisi cheez mein successor a person that comes after somebody else and takes their place jo ek jaise raja ka beta successor hai uska dumbfounded not able to speak usually due to surprise हैरानी ज्यादा हैरान हो जाना और बोल ना पाना स्टोरी द पोस्टमास्टर द पोस्टमास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ फुलापुर द विलेज वॉज अ स्मॉल वन एंड देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाय पोस्टमास्टर जो था उसने अपनी ड्यूटीज ज्वाइन की अपनी ड्यूटी ज्वाइन की गांव में जिसका नाम था उल्लापुर और विलेज जो था वो गांव जो था बहुत छोटा सा था और उसके पास ये इंडिगो फैक्ट्री भी थी इंडिगो होता है नील नील को कहते हैं इंडिगो पहले उसकी खेती करते थे जब ब्रिटिश राज था ये उस टाइम की स्टोरी है द ओनर ऑफ द फैक्ट्री वॉज एन इंग्लिश मैन एंड ही हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड वो जो फैक्ट्री था उसका फैक्ट्री का मालिक था वो भी एक अंग्रेज था और उसी ने कोशिश करके उसी की कोशिश से वहाँ पे पोस्ट ऑफिस खोला गया था उस गाँव में छोटे से में The postmaster belonged to Calcutta. He felt like a fish out of water in this remote village. His office and living room were in a dark thatched shed
alongside a green slimy pond and surrounded on all sides by a dense growth. वो जो पोस्टमास्टर था वो कैलकटा का था और वो फिश आउट ऑफ वाटर फील करता था वहाँ पे. फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अ पर्सन हु फील्स अनकम्फर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी खास जगह पे. जब मतलब वो एक शहर का बंदा था और गांव में अपने आप को फिट महसूस नहीं करता था. और ये विलेज जो था बहुत ही रिमोट एरिया में था, बहुत कम लोग रहते थे वहाँ पे. हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क थैश्ड शेड. उसका जो ऑफिस था और जो रहने की जगह थी वो कहाँ थी, बहुत ही अंधेरी सी जगह पे थी. और थैश्ड शेड मीन्स सराउंडिंग जो थी इमारत थी और छत जो थी उस पर झाड़ियों से ढका हुआ था. अलॉन्ग साइड ग्रीन स्लाइमी पॉन्ड, और उसके आसपास क्या था, हरा सा. स्लाइमी मीन्स मड्डी पॉन्ड था आसपास कीचड़ का. और सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, और आसपास जो थी बहुत डेंस ग्रोथ थी, बहुत जंगल टाइप था आसपास. ही हैड नो कंपनी नॉर हैड ही मच टू डू. उसके कोई दोस्त नहीं था और ना ही उसके पास ज्यादा काम था. उसकी सैलरी सैलरी वॉज स्मॉल, बहुत कम थी आमदन. ही हैड टू कुक हिज ओन मील्स. उसको अपना खाना खुद बनाना पड़ता था. विच ही यूज टू शेयर विद रतन, जो वो शेयर करता था किसके साथ, रतन के साथ. एन ऑर्फन गर्ल ऑफ द विलेज, जो कि गाँव की एक ऑर्फन लड़की थी. ऑर्फन मीन्स अनाथ लड़की थी. हु डिड ऑल जॉब्स फॉर हिम, जो बाकी सारे काम करती थी उसके लिए. When in the evening the smoke began to curl up from the village cowsheds and cicadas chirped in every bush, the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. जब शाम को गांव के cowsheds में से वो धुआं उठने लगता, जब मतलब लोग खाना बनाने लगते और जो cicadas एक insect है वो उसकी आवाज आने लगती झाड़ियों में से, तो postmaster जो है वो इतनी छोटी सी lamp जलाता और आवाज देता रतन. Ratan would sit outside waiting for this call and instead of coming in at once would reply, did you call me sir? Ratan जो थी बाहर बैठी होती वेट कर रही थी इस कॉल का ही, करती थी रोज. And instead of coming in at once, और एकदम से उसने आवाज दी और वो अंदर आ गए, ऐसा नहीं था. वो आंसर करती, did you call me sir? क्या आपने मुझे बुलाया श्रीमान? What are you doing? The postmaster would ask, क्या कर रही हो तुम बाहर? At last Ratan would answer, and this would give the postmaster an opportunity of conversing. और अंत में रतन जो थी वो अंदर आती और postmaster को मौका मिलता बात करने का. Well, Ratan, he would begin. Do you remember anything of your mother? क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ याद है? That was a favorite topic of conversation. ये बातचीत का उनका favorite topic था. Ratan partly remembered her parents. कम ही याद था उसे अपने पेरेंट्स के बारे में. शी वुड रिकलेक्ट दैट हर फादर हैड बीन फॉन्डर ऑफ हर देन हर मदर. वो याद करती कि उसके फादर जो थे उसको ज़्यादा पसंद करते थे उसकी माँ से. शी वुड सिट एट द पोस्ट मास्टर्स फीट एंड शेयर हर मेमरीज विद हिम. वो उसके पैरों के पास ही बैठ जाती नीचे और उसके साथ अपनी यादें शेयर करती. शी वुड रिकॉल अ लिटल ब्रदर दैट शी हैड एंड हाउ ऑन अ क्लाउडी डे She had played at fishing with him on the edge of the pond. वो याद करती कि उसका एक छोटा भाई भी था जिसके साथ वो क्लाउडी डे पे मतलब बारिश के दिनों में वो अपने भाई के साथ पॉन्ड की किनारे पे बैठ के फिशिंग वगैरह खेलती थी. Thus as they talked it would often get very late and the postmaster would feel too lazy to do any cooking at all. तो ऐसी बातें करते वो और बातें करते उनको लेट हो जाता और पोस्टमास्टर जो था वो बहुत लेजी फील करता कि अब वो खाना नहीं बना सकता था. रतन वुड देन हेस्टीली लाइट द फायर. तो रतन जो है वो जल्दी से जलाती आग एंड मेक सम चपातीस, और कुछ चपातीस बना लेती. विच विद द कोल्ड लेफ्ट ओवर्स ऑफ द मॉर्निंग मील वॉज इनफ फॉर देयर सपर. वो चपातीस बना लेती सिर्फ, और जो सुबह का लेफ्ट ओवर मीन बचा हुआ खाना जो होता ठंडा पड़ा हुआ वो उनके लिए काफी था उनके सपर के लिए. सपर होता है शाम का खाना, वैसे लास्ट खाना होता है दिन का ये, और ये डिनर से पहले मतलब डिनर से थोड़ा छोटा होता है खाने में, कम क्वांटिटी होती है. ऑन सम इवनिंग्स सीटेड एट हिज डेस्क इन द कॉर्नर ऑफ द बिग एम्प्टी शेड द
द पोस्ट मास्टर टू वुड रिमेंबर हिज ओन होम। और कुछ शामों में वो बैठा होता अपने डेस्क के कॉर्नर में, बिग एम्प्टी शेड, बड़ा सा एम्प्टी होता क्योंकि कोई और तो था नहीं वहां पे, और पोस्ट मास्टर याद करता अपने घर को, अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को। ही वुड ऑफन टॉक अबाउट दैम टू द सिंपल लिटल गर्ल। वो अक्सर अपनी वो जो छोटी सी लड़की थी उससे उनके बारे में बातें करता। एंड सो इट केम अबाउट दैट रतन स्टार्टेड रेफरिंग टू हिज पीपल एज मदर, ब्रदर एंड सिस्टर एज इफ शी हैड नोन देम ऑल हर लाइफ। और ऐसे वो इतने आपस में बातें करते थे उनके बारे में कि जो रतन थी उनको वो ऐसे ही बुलाती थी कि माँ, ब्रदर और सिस्टर कहना शुरू कर दिया था उसने, जैसे कि वो उनको जानती हूँ पहले से ही जिंदगी में। वन नून द पोस्ट मास्टर कॉल्ड आउट रतन। रतन वॉज देन स्प्रॉलिंग बीनीथ द गावा ट्री, बिजीली एंगेज इन ईटिंग अनराइप गावाज। एक दोपहर पोस्ट मास्टर ने बुलाया रतन, और रतन क्या कर रही थी, वो गावा ट्री के नीचे फैली हुई थी, फैल के बैठी हुई थी। स्प्रॉलिंग मीन्स फैल के बैठना या लेटना। और क्या खा रही थी, अनराइप गावाज, कच्चे अमरूद। एट द वॉइस ऑफ हर मास्टर शी रैन अप ब्रेथलेसली। अपने मास्टर की आवाज पे वो भाग गई, सांस चढ़ गया उसको। सेइंग वर यू कॉलिंग मी दादा, क्या आप मुझे बुला रहे थे दादा, भाई को कहते हैं बंगाली में। आई वॉज थिंकिंग सेट द पोस्ट मास्टर ऑफ टीचिंग यू टू रीड। पोस्ट मास्टर वो जो था वो कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फाबेट। और फिर उसने पूरी दोपहर उसको वो अल्फाबेट्स पढ़ाता रहा। वन क्लाउडी मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर्स लिटिल प्यूपिल हैड बीन लॉन्ग वेटिंग आउटसाइड द डोर फॉर हर कॉल, बट नॉट हियरिंग इट एज यूजुअल शी स्लोली एंटर्ड द रूम। और एक सुबह जबकि बादल हो रखे थे, द पोस्ट मास्टर्स लिटिल प्यूपिल, प्यूपिल यहाँ पे स्टूडेंट, पोस्ट मास्टर का जो जो छोटा सा स्टूडेंट था वो वेट कर रही थी बहुत देर से बाहर बैठी कि वो उसे बुलाएगा, बट नॉट हियरिंग इट एज यूजुअल, और रोजाना की तरह उसे नहीं आवाज आई, तो शी स्लोली एंटर्ड द रूम, वो धीरे से अंदर चली गई कमरे में। शी फाउंड हर मास्टर स्ट्रेच्ड आउट ऑन हिज बेड। उसने देखा कि उसका जो मास्टर है, पोस्ट मास्टर, वो लेटा हुआ है बेड पे। थिंकिंग दैट ही वॉज रेस्टिंग शी वॉज अबाउट टू रिटर्न क्वाइटली वेन शी सडनली हर्ड हर नेम रतन। वो सोच रही थी कि वो रेस्ट कर रहा है और वो चुपचाप बाहर जाने वाली थी, जब उसे आवाज़ आई, अपना उसने नाम सुनाई दिया कि उसने आवाज़ दी रतन। शी टर्न्ड एट वंस, वो एकदम से मुड़ी एंड आस्क्ड वर यू स्लीपिंग दादा, क्या आप सो रहे थे। द पोस्ट मास्टर इन अ प्लेंटिव वॉइस सेड आई एम नॉट वेल, फील माई हेड, इज इट वेरी हॉट। पोस्ट मास्टर ने कहा कि वो आवाज़ से लग रहा था कि वीक है और दुखी है, और कह रहा था कि आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे सिर को हाथ लगा के देखो क्या ये बहुत गर्म है माथे को। रतन सीज्ड टू बी अ लिटल गर्ल एट दैट मोमेंट। और रतन सीज्ड मतलब रुक जाना, वो छोटी लड़की नहीं रही उसी मोमेंट से। शी एट वंस कॉल्ड इन द विलेज डॉक्टर, वो एकदम से उसने डॉक्टर को बुलाया गाँव के। गेव द पेशेंट हिज पिल्स एट द प्रॉपर इंटरवल्स, वो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी उसको टाइम टाइम पे देती रही रतन उसको, पोस्ट मास्टर को। सेट अप ऑल नाइट बाय हिज पिलो, बिल्कुल उसके पास बैठती थी रात को सोते, जब वो सो जाता था। कुक्ड हिज ग्रूअल फॉर हिम, और उसके लिए दलिया या खिचड़ी बनाती थी। एंड एवरी नाउ एंड देन आस्क्ड आर यू फीलिंग अ लिटल बेटर दादा, क्या आपको अच्छा लग रहा है, अब कुछ बेटर लग रहा है। रिलीव्ड फ्रॉम हर ड्यूटीज एज अ नर्स, सॉरी, इट वॉज सम टाइम बिफोर द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू लीव हिज सिक बेड, नो मोर ऑफ दिस ही डिसाइडेड। थोड़ा समय पहले जब उसने वो सिक बेड जो छोड़ा अपना, मतलब जब वो ठीक हो गया, तो उसने सोचा कि अब बहुत हो गया। ही डिसाइडेड आई मस्ट गेट अ ट्रांसफर, मुझे तबादला चाहिए। ही एट वंस रोट एन एप्लीकेशन टू गेट अ ट्रांसफर टू कैलकटा ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनहेल्दी सराउंडिंग्स। उसने चिट्ठी लिखी कैलकटा को ट्रांसफर करने के लिए अपने आप को, क्योंकि रीजन उसने ये बताया कि आसपास जो है सराउंडिंग्स जो हैं वो अनहेल्दी हैं। रिलीव्ड फ्रॉम हर ड्यूटीज एज अ नर्स, रतन अगेन टुक अप हर ओल्ड प्लेस आउटसाइड द डोर। अब वो ठीक हो गया था तो उसकी ड्यूटी भी खत्म हो गई एज अ नर्स, तो वो फिर से वहीं बाहर बैठ गई दरवाजे के। बट शी नो लॉन्गर हर्ड द सेम ओल्ड कॉल,
पर अब उसे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी अपनी, मतलब वो बुलाता नहीं था पुराने जैसे पहले बुलाता था। शी वुड समटाइम्स पीप इनसाइड सीक्रेटली टू फाइंड द पोस्ट मास्टर सिटिंग ऑन हिज चेयर। वो कभी कभी झांकती दरवाजे में से चुपचाप देखने के लिए पोस्ट मास्टर अपनी चेयर पे बैठा होता और स्ट्रेच्ड ऑन हिज बेड या फिर बेड पे लेटा होता एंड स्टेयरिंग एब्सेंट माइंडेडली इन टू द एयर, और बिना किसी कारणवश वो बस देख रहा होता हवा में घूर रहा होता। वाइल रतन वॉज अवेटिंग हर कॉल द पोस्ट मास्टर वॉज अवेटिंग अ रिप्लाई टू हिज एप्लीकेशन। रतन अपनी कॉल का वेट कर रही थी कि वो उसे बुलाए और पोस्ट मास्टर वेट कर रहा था कि उसकी एप्लीकेशन का कोई आंसर आए। द गर्ल रेड हर ऑल ओल्ड लेसन्स ओवर एंड ओवर अगेन। वो जो लड़की थी रतन, वो अपने जो पुराने लेसन उसने करा रखे थे उसको बार बार पढ़ती। हर ग्रेट फियर वॉज दैट वेन फाइनली कॉल्ड शी माइट बी फाउंड वॉन्टिंग इन द डबल कॉन्सोनेंट्स, कि जब भी उसको वो बुलाएगा तो उसे वो आएंगे नहीं, वो जो दो अक्षर वाले वर्ड्स उसने कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, तो वो दो व्यंजन वाले जो शब्द उसने सीखे वो भूल जाएगी। एट लास्ट आफ्टर अ वीक द कॉल डिड कम वन इवनिंग, और आखिरकार एक हफ्ते के बाद उसे बुलाया उसने एक शाम को। रतन रश्ड इनटू द डोर सेइंग वर यू कॉलिंग मी दादा, तो उसने बुलाया और रतन भागी हुई अंदर गई और पूछा, कहती कि आपने क्या उसने मुझे बुला रहे हो आप दादा। द पोस्ट मास्टर सेड आई एम गोइंग अवे टुमारो रतन, पोस्ट मास्टर ने उसे कहा कि मैं रतन मैं कल जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग दादा, कहाँ जा रहे हो दादा। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। When will you come back? पूछती है कि कब वापस आओगे। I am not coming back, मैं नहीं आ रहा वापस। रतन asked no other question, रतन ने फिर कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रश्न नहीं पूछा। द पोस्ट मास्टर वेंट ऑन टू टेल हर दैट हिज एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांसफर हैड बीन रिजेक्टेड, सो ही हैड रिजाइंड हिज पोस्ट एंड वॉज गोइंग होम। उसने जो एप्लीकेशन दी थी ट्रांसफर के लिए कैलकटा, वो रिजेक्ट हो गई, मना कर दिया उन्होंने, और इसलिए उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है और घर जा रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाइदर ऑफ देम स्पोक अनदर वर्ड, लंबे समय के लिए दोनों में से कोई भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला दोनों में से कोई। आफ्टर अ वाइल रतन रोज एंड वेंट ऑफ टू द किचन टू प्रिपेयर द मील, तो थोड़ी देर के बाद रतन उठी और किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। When the postmaster had finished his supper, the girl suddenly asked him, "Dada, will you take me to your home?" जब उसने खाना खत्म कर लिया postmaster ने, तो लड़की ने उससे पूछा अचानक से, suddenly अचानक, कि दादा क्या तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओगे? The postmaster laughed, "What an idea," said he. Postmaster हंसा और कहता, क्या क्या सोच रही हो तुम? That whole night the postmaster's laughing reply haunted her. What an idea. पूरी रात जो पोस्ट मास्टर का जो हंसते हुए आंसर था कि क्या सोच क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में, उसको गूंजता रहा उसके दिमाग में रतन के। ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर फाउंड हिज बाथ रेडी, जब वो सुबह उठा पोस्ट मास्टर तो उसका नहाने के लिए पानी वगैरह तैयार था। आफ्टर द बाथ केम अ कॉल फॉर रतन, नहाने के बाद उसने रतन को आवाज दी। शी एंटर नॉइजलेसली एंड लुक्ड साइलेंटली इनटू हर मास्टर्स फेस फॉर ऑर्डर्स, वो चुपचाप बिना आवाज के अपने मास्टर के तरफ देखती रही अपने लिए ऑर्डर्स के लिए कि क्या करना है। द मास्टर सेड यू नीड नॉट बी एंग्शियस अबाउट माई गोइंग अवे रतन, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है रतन कि मैं जा रहा हूँ। आई शैल टेल माई सक्सेसर टू लुक आफ्टर यू, मेरे बाद जो भी आएगा सक्सेसर होता है एक के बाद दूसरा जो जगह लेता है उसकी, तो उसे मैं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। रतन कुड नॉट बियर दीज काइंड वर्ड्स, रतन जो थी उसको ये जो दयालुता के शब्द थे उसे सहन नहीं हुए। शी बस्ट आउट वीपिंग, वो रोने लग गई एंड सेड नो नो यू नीड नॉट टेल एनीबडी एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे बारे में कुछ भी कहने की। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे ऑन हियर, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। द पोस्ट मास्टर वॉज डंबफाउंडेड, पोस्ट मास्टर जो था वो भी हैरानी से चुप हो गया। ही हैड नेवर सीन रतन लाइक दिस बिफोर, उसने रतन को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ही कॉल्ड रतन, चलने लगा तो उसने रतन को बुलाया एंड सेड कहा, हेयर इज समथिंग फॉर यू, कि तुम्हारे लिए कुछ है, आई होप इट विल कीप यू फॉर सम लिटल टाइम,
कि ये तुम्हें थोड़े समय के लिए हेल्प करेगा। ही ब्रॉट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट द होल ऑफ हिज मंथ सैलरी, उसने अपनी पॉकेट में से अपनी पूरे महीने की सैलरी निकाल ली और वो रतन को दे रहा था। देन रतन फेल एट हिज फीट एंड क्राइड, वो उसके पैरों में गिर गई और रोने लग गई। ओ दादा आई प्रे यू डोंट गिव मी एनीथिंग, कि मुझे कुछ मत दो। डोंट इन एनी वे ट्रबल अबाउट मी, कुछ भी मेरे बारे में मत सोचो, टेंशन मत लो मेरे बारे में। एंड देन शी रैन अवे आउट ऑफ साइट, और फिर वो दूर चली गई उसकी नज़र से। ये स्टोरी जो है पोस्ट मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब इट।